क्या आप भी खड़े होकर पानी पीते हैं? तो जान लीजिए इसके गंभीर नुकसान। यह तो हम सभी जानते हैं कि पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जिस पोजीशन में आप पानी पीते हैं उसका भी आपके सेहत पर असर पड़ता है। आपके बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही आपको कहा होगा कि बैठकर शांति से पानी पीना चाहिए। इसका कारण ये है कि बैठने पर हमारी मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे पानी पीने से शरीर को फायदा होता है। वहीं कई लोग जल्दीबाजी में खड़े होकर व चलते फिरते ही पानी को फटाफट गटक लेते हैं। आइए आपको बताते हैं खड़े होकर पानी पीने से कौन से नुकसान हो सकते हैं। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब इसोफेगस के जरिए प्रेशर के साथ पानी पेट में तेजी से पहुंचता है। इससे आपके पेट पर अधिक प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से पेट व आसपास की जगह और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। पानी प्रेशर के साथ पेट में जाता है तब सभी इम्प्योरिटीज ब्लैडर में जमा हो जाती हैं, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। पानी के प्रेशर से शरीर के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। खड़े होकर पानी पीने से फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे फूड पाइप्स और विंड पाइप में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। जो लोग हमेशा ही खड़े होकर पानी पीते हैं उन्हें फेफड़ों के साथ साथ दिल संबंधी बीमारी होने की आशंका भी अधिक होती है। खड़े होकर पानी पीने से प्यास ठीक से नहीं बुझती है और तृप्ति का एहसास भी नहीं होता है। इसी कारण से आपको बार बार प्यास लगने का आभास होता है।